हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में देख रहे थे, जिसमें से हमारे पास 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, जिसमें से जो पहला जो परिपथ था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R होता है, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र होता है, तीसरा था जिसमें केवल प्रेरण कुंडली होता है, और जो चौथा प्रकार था जिसमें R और C दोनों होते हैं, और नेक्स्ट था जिसमें R और L दोनों होते हैं, और छठवां था जिसमें L और C ये दोनों होते हैं, और जो अंतिम प्रकार था जिसमें तीनों कंपोनेंट मतलब R, L और C ये तीनों होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था जो दूसरा प्रकार था जिसमें केवल संधारित्र C हो, इसके लिए हमने देखा था V बराबर V0 साइन ओमेगा T। इसके लिए हमने प्राप्त किया था I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई टू, जहाँ I0 बराबर हमने प्राप्त किया था V0 C इंटू ओमेगा, जहाँ I0 क्या है धारा का शिखर मान, तो यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण को प्रदर्शित करता है। जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लेते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पर परिपथ में जो बहने वाली जो धारा का जो समीकरण था वो हमको प्राप्त हुआ था I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा T प्लस फाइव बाई टू। तो इन दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर पाई बाई टू ये कलांतर को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखिए I बराबर I जीरो साइन ओमेगा T प्लस फाइव बाई टू है, इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों समीकरण को यदि हम तुलना करें कंपेयर करें तो उस स्थिति में देखते हैं यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा में ओमेगा T के बाद कितना जुड़ा हुआ है पाई बाई टू ये जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी है, क्योंकि ये इतना जुड़ा हुआ है, कितना अग्रगामी है पाई बाई टू रेडियन अग्रगामी है, इसको अंश में बोलेंगे तो 90 अंश अग्रगामी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई टू रेडियन या 90 अंश अग्रगामी कहलाता है, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से पाई बाई टू पश्चगामी। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को पहले कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा के साथ तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कैसा है पश्चगामी है, और प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कैसी है अग्रगामी है, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई टू जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई जीरो जो है ये क्या है धारा का शिखर मान है, और धारा के शिखर मान के लिए हमने प्राप्त किया है यहाँ पर देखिए किसका मान रखे थे हम वहाँ पर आई जीरो बराबर वी जीरो सी ओमेगा का मान हमने आई जीरो रखा था, ठीक है। अब इसी समीकरण से देखिए यहाँ वी जीरो बटे आई जीरो बराबर कितना हो जाएगा एक बटे ओमेगा सी, या इसकी तुलना यदि हम ओम के नियम से करें इसकी तुलना ओम के नियम V बटे आई इज इक्वल टू आर से करने पर, तो जब हम इसकी तुलना ओम के नियम V बटे आई इज इक्वल टू आर से करते हैं तो उस स्थिति में परिपथ की परिपथ का प्रतिघात हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर
केवल हम संधारित्र सी को जोड़े हैं, इसलिए परिपथ का प्रतिघात को हम क्या कहेंगे, एक्स सी इज इक्वल टू हमको प्राप्त होता है 1/ωc। तो परिपथ का प्रतिघात हमको कितना प्राप्त हुआ, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc के बराबर, जिसको हम बोलते हैं धारिती प्रतिघात, धारिता प्रतिघात, या एक्स सी को क्या कहते हैं, धारिता प्रतिघात। अब यहां पर देखिए, क्योंकि हमको पता है ओमेगा बराबर होता है 2π (ν), जहां न्यू क्या है, न्यू है आवृत्ति, ठीक है, न्यू प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसका क्या है, आवृत्ति है। तो उस स्थिति में अतः xc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2π(ν)c। हम मान रखेंगे ओमेगा का मान, तो जब हम ओमेगा का मान रखेंगे तो उस स्थिति में हमको मिल जाएगा xc इज इक्वल टू 1/2π(ν)c। अब यहाँ पर देखिए, जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा के लिए ओमेगा और न्यू का जो मान होता है वह शून्य के बराबर होता है। दिष्ट धारा के लिए ओमेगा बराबर 0 होता है तथा न्यू बराबर भी 0 होता है। तो इस स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, एक्स सी बराबर क्योंकि दिष्ट धारा के लिए ओमेगा और आवृत्ति, कोणीय वेग और आवृत्ति दोनों का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, अतः एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0। हम यहाँ पर न्यू का मान 0 रख दें तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/0, या इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स सी का मान अनंत। तो उस स्थिति में क्या होता है, एक्स सी का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रतिघात से, प्रतिघात मतलब धारा के मार्ग में रुकावट से। अब यदि धारा के मार्ग में यदि रुकावट होगा तो उसका मतलब क्या होगा, कितना रुकावट है, अनंत, बहुत ज़्यादा रुकावट है। तो क्या उसमें धारा बहेगी, तो उसमें धारा नहीं बहेगी। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब जिसमें केवल संधारित्र सी हो तो यह क्या करता है, दिष्ट धारा को रोकता है। क्यों रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो धारिती प्रतिघात है उसका मान कैसा है, अनंत है। तो यहाँ अतः हम बोल सकते हैं, अतः संधारित्र क्या कर रहा है, दिष्ट धारा को रोकता है और केवल किसको बहने देता है, प्रत्यावर्ती धारा को बहने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको प्राप्त हुआ एक्स सी बराबर 1/2π(ν)c। तो चूंकि हमको पता है दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान 0 होता है, मतलब कोणीय वेग कैसा होता है, 0 होता है, और जो उसकी आवृत्ति भी होती है कितना, 0 के बराबर। आवृत्ति 0 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, इसलिए आवृत्ति का मान कैसा होता है, 0 के बराबर होता है। तो उस स्थिति में एक्स सी का मान क्या मिल जाता है हमको, अनंत के बराबर। का मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अवरोध है, जो रुकावट है, धारिती जो प्रतिघात है, उसका मान क्या मिल रहा है, अनंत मिल रहा है। तो उस स्थिति में धारा का मान निश्चित रूप से वहाँ पर, मतलब धारा वहाँ पर निश्चित रूप से नहीं बहेगा। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी है तो प्रत्यावर्ती धारा को वहाँ पर रोका जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर संधारित्र, सॉरी, दिष्ट धारा को रोका जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है और प्रत्यावर्ती धारा को बहने देता है। ठीक है, इसके बाद हम हमारा जो अगला जो धारा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसको देखते हैं। तीसरा प्रकार है जिसमें केवल
प्रेरण कुंडली L हो। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का, जिसमें केवल प्रेरण कुंडली L हो, जिसमें केवल प्रेरण कुंडली L हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेरण कुंडली को एसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। एक काहे का नोटेशन है प्रेरण कुंडली का, जिसका प्रेरकत्व तो है L के बराबर। यहाँ पर एसी सोर्स का नोटेशन है, और सपोज इसका जो वोल्टेज है V बराबर कितना है, वी जीरो साइन ओमेगा टी के बराबर, तो इसमें बहने वाली धारा की दिशा। अब इसके सिरों पर जो विभव का जो मान है, सपोज ये वी एल के बराबर है, तो इस स्थिति में ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल प्रेरण कुंडली L को जोड़ा गया है। अब यहां पर देखिए, माना माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है, कहे थे डिनोट करते हैं इसको, V इज इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा टी है, इसको हम दे देते हैं पहला इक्वेशन। ठीक है, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण कितना है, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। इसके बाद देखते हैं, यदि इसी क्षण परिपथ में जो बहने वाली धारा I हो, इसी समय परिपथ में बहने वाली आई हो, तो यदि इसी समय परिपथ में बहने वाली धारा आई हो, तो उस स्थिति में जो वोल्टेज का जो मान होता है, उस स्थिति में वोल्टेज का मान को हम डिनोट करते हैं V बराबर I इंटू डी आई बटे डी टी से। तो इस समय प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज जो होता है V बराबर होता है I इंटू डी आई बटे डी टी, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, जब हम इसको त्रिया गुणा करेंगे इधर, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, V बटे I इंटू डी टी, कितना हो जाएगा ये V बटे I इंटू, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यदि इसी समय प्रत्यावर्ती परिपथ बहने वाली धारा I हो, तो उस स्थिति में V बराबर, यहाँ पर I ऑलरेडी यहाँ I है, ये प्रेरकत्व आपका जो फैराडे का जो द्वितीय नियम है उससे ये आया है, V इज इक्वल टू L, सॉरी यहाँ पर V इज इक्वल टू L डी आई बटे डी टी होता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, डी आई बराबर हो जाएगा ये V बटे L इंटू डी टी, डी आई बराबर हो जाएगा V बटे L इंटू डी टी के बराबर। अब इसी को हम आगे, हम V जीरो का मान, V का मान रख देते हैं समीकरण एक से V का मान रखने पर, तो समीकरण एक से V का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा टी बटे L इंटू डी टी। V का मान रख दिए, V जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी पूरे का बटे L, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं
इसको ऐसा कर देते हैं समाकलन करने पर। इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन का नोटेशन ऐसा है इधर, तो डी आई बराबर इधर समाकलन होगा तो V0 बटे L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी के बराबर। अब इसके बाद इसी को हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डी आई का समाकलन कर रहे हैं, मतलब किसका समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं मतलब एक, तो एक का जब किसी चर के सापेक्ष समाकलन किया जाता है तो उसका मान उस चर के बराबर होता है। तो एक का हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, आई के सापेक्ष, इसलिए यहाँ पर मान कितना हो जाएगा आई के बराबर। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जब भी समाकलन या अवकलन किया जाता है तो उस स्थिति में जिस भी चर के सापेक्ष हम समाकलन या अवकलन करते हैं उसको उसका फलन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी टी का फलन है, इसलिए यहाँ पर केवल साइन ओमेगा टी का ही समाकलन होगा। V0 बटे जो L है यह अचर राशि होगी और यह समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा V0 बटे L, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं इसी को इधर लिख लीजिए, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V0 बटे L, साइन ओमेगा टी का समाकलन कितना होता है माइनस कास ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, चूंकि यहाँ पर टी के स्थान पर ओमेगा टी है इसलिए जब समाकलन किया जाता है तो बटे में ओमेगा और आ जाएगा, या इसी को हम आगे लिखेंगे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V0 बटे ओमेगा L इंटू माइनस कास ओमेगा T। अब माइनस कास ओमेगा T को हम साइन के रूप में बदल देते हैं, माइनस कास ओमेगा T को किस में बदल दें साइन में बदल दें, तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V0 बटे ओमेगा L, जब हम इसको साइन में बदलेंगे तो ये किसके बराबर होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू या साइन थीटा माइनस पाई बाई टू या साइन थीटा माइनस नब्बे, साइन थीटा माइनस नब्बे बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना है ओमेगा टी, इसलिए साइन थीटा माइनस नब्बे अंश या ओमेगा टी माइनस नब्बे अंश बराबर कितना होगा माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, इसको हम किसके बराबर लिख दें I जीरो के बराबर मान लें, और ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहाँ I जीरो बराबर किसके स्थान पर I जीरो रखें हम V जीरो बटे ओमेगा L, V जीरो बटे ओमेगा L, ये क्या है धारा का शिखर मान, इसको दे देते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दूसरा। हमारे पास समीकरण नंबर पहला था V बराबर V0 साइन ओमेगा T, और यहां पर I बराबर मिला है I0 साइन ओमेगा T माइनस पाई बाई टू, तो समीकरण एक और दो को यदि हम कंपेयर करें तो क्या बोल सकते हैं, अब यहां पर ये देखो I क्या है प्रत्यावर्ती धारा और V क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो इसमें देखिए हमको प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा T के लिए धारा का मान कितना मिला है I बराबर I0 साइन ओमेगा T माइनस पाई बाई टू, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से माइनस है पश्चगामी है, कितना पाई बाई टू, मतलब नब्बे अंश कैसा है ये पीछे है किससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, ठीक है।
तो यहाँ समीकरण एक और दो से मतलब v बराबर v जीरो साइन ओमेगा टी और i बराबर i जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू से हम क्या बोल सकते हैं, i v से पाई बाई टू कैसा है, इन दोनों समीकरणों से हम क्या कहेंगे, जो I है प्रत्यावर्ती धारा I वोल्टेज से कैसा है, पाई बाई टू पश्चगामी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए पश्चगामी कहलाता है। अब इसके आधार पर हम इसका क्या देखेंगे, फेजर आरेख। इसका फेजर आरेख कैसे बनेगा, सपोज x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सपोज ए वोल्टेज को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर वी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन पश्चगामी है, धारा कितना पश्चगामी है, पाई बाय टू, तो पीछे की ओर बनेगा 90 अंश इधर, इसको ऐसा बना दो पूरा, ये है हमारा मूल बिंदु। तो एक आई को डिनोट करेगा, आई जीरो को, और यहाँ पर इधर आई का। अब देखिए यहाँ पर चित्र से स्पष्ट हो रहा है वोल्टेज से प्रत्यावर्ती वोल्टेज से धारा कैसे है, 90 अंश पीछे है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, फेजर आरेख। अब इसी का यदि यहाँ पर लिख दो, ये है फेजर आरेख। अब इसी का हम कला आरेख भी बना सकते हैं। तो इसका कला आरेख कैसा हो जाएगा, सपोज ये वोल्टेज को डिनोट कर रहा है तो इधर, ये काहे को डिनोट करेगा, धारा को डिनोट करेगा, धारा कैसे है, 90 अंश पीछे है, ये कहलाता है कला आरेख, वो कहलाता है कला आरेख, ये कहलाता है फेजर आरेख। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास समीकरण नंबर दो से हमको प्राप्त हुआ है आई जीरो बराबर वी जीरो बटे ओमेगा एल, ये क्या चीज़ है, धारा का शिखर मान। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हमको प्राप्त हुआ है आई जीरो बराबर वी जीरो बटे ओमेगा एल, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा V0 बटे I0 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, ओमेगा L के बराबर। ठीक है, इसकी तुलना ओम के नियम से करने पर, ओम का नियम क्या होता है, V बटे I इज इक्वल टू R से करने पर परिपथ का जो प्रतिरोध होगा, अब यहां पर उसका नाम क्या है, परिपथ का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, क्योंकि इस परिपथ में, इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है, केवल प्रेरण कुंडली है, तो इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, प्रतिघात कहलाएगा, और प्रतिघात को हम क्या बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात, जिसको कहा से डिनोट करेंगे, एक्स एल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए इसकी तुलना ओम के नियम V बटे I इज इक्वल टू R से करने पर परिपथ का प्रतिघात, अब नाम यहाँ पर चेंज हो गया, प्रतिरोध के स्थान पर क्या बोलेंगे, प्रतिघात, अब परिपथ का प्रतिघात कहाँ से डिनोट होगा, एक्स एल से, और एक्स एल बराबर होगा ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा इंटू एल, एक्स एल बराबर ओमेगा इंटू एल को क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रेरण प्रतिघात, इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। अब इसके बाद देखिए यहां पर
चूंकि हमको पता है ओमेगा बराबर होता है 2π ν, ओमेगा बराबर कितना होता है 2π ν, अतः एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान रखेंगे तो 2π ν इंटू एल, एक्स एल बराबर हो जाता है 2π ν इंटू एल के बराबर। चूंकि हमको पता है दिष्ट धारा के लिए कोणी वेग और जो आवृत्ति है उसका मान कितना होता है 0 के बराबर, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए ओमेगा बराबर 0 तथा न्यू बराबर भी कितना होता है 0 के बराबर, अतः क्या हो जाएगा, अतः एक्सएल का मान कितना हो जाएगा एक्सएल बराबर 0। कब दिष्ट धारा के लिए एक्सएल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा है, उस स्थिति में जब एक्सएल का मान 0 हो रहा है का मतलब धारा का मान कैसा होगा, ज़्यादा बहेगा, दिष्ट धारा उसमें कैसा बहेगा, जब एक्सएल प्रतिरोध है ही नहीं मतलब वहाँ पर निश्चित रूप से धारा ज़्यादा बहेगा, कौन सी धारा दिष्ट धारा। लेकिन चूंकि ये कौन सा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, इसलिए जब इसमें केवल प्रेरण कुंडली जोड़ा जाता है तब हम वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो प्रेरण कुंडली है वह क्या करता है, प्रतिरोध आरोपित करता है, ठीक है ना। दिष्ट धारा के लिए प्रतिरोध आरोपित नहीं होता, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरण कुंडली क्या आरोपित करता है, प्रतिरोध आरोपित करता है। उसका मान कितना होता है, एक्सएल इज इक्वल टू 2π ν इंटू एल। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, अतः या इस प्रकार कुंडली, कुंडली मतलब प्रेरण कुंडली ना, इस प्रकार कुंडली प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आरोपित करता है। इस प्रकार कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आरोपित करता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल कुंडली है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली है उसका विद्युत परिपथ देखे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए हमने धारा का मान निकाला, ठीक है ना, और वहाँ पर हम देखे वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच कितना कलांतर है, उसके आधार पर हमने देखा उसका कला आरेख और फेजर आरेख और कला आरेख देखे, और यहाँ पर हमने ज्ञात किया कि इसका प्रतिबाधा, यहाँ पर जो प्रतिरोध जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, और उसका मान निकाले एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल। इसके आधार पर हम देखें कि कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या करता है, प्रतिरोध आरोपित करता है, जबकि दिष्ट धारा परिपथ होता तो उस स्थिति में वहाँ पर धारा के मार्ग में वह कोई रुकावट नहीं, मतलब कोई रुकावट नहीं करता है, ठीक है, किसके लिए, दिष्ट धारक, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के लिए वह प्रतिरोध आरोपित करता है, क्या, कुंडली, प्रेरण कुंडली। इसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न लिखिए, आंकिक प्रश्न है, एक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, एक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब इसे 5/π
हर्ज, 5/π हर्ज के, हर्ज आवृत्ति के, आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ उपयोग करने पर प्रतिघात 100 ओम है, प्रतिघात कितना ओम है? एक संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जब इसे 5/π हर्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ उपयोग करने पर प्रतिघात का मान कितना है? 100 ओम के बराबर है। हमको क्या ज्ञात करना है? संधारित्र की धारिता। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो फार्मूला है वह है संधारित्र प्रतिघात के लिए। एक्स सी इज इक्वल टू कितना होता है? 1/ωc, 1/ωc। हमको यहाँ पर किसका किसका मान दिया है? आवृत्ति का मान दिया है, ठीक है ना, और प्रतिघात का मान दिया है। लेकिन यहाँ पर हमको ओमेगा का मान दिया है, मतलब सूत्र में क्या है? ओमेगा है, और हमको पता है चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π ν। अतः एक्स सी बराबर कितना होगा? 1/2π ν × c, 1/2π ν × c। तो जो हमारा जो फार्मूला होगा, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? संधारित्र की धारिता c, तो c बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा 1/2π ν × xc। इस सूत्र में मान रख करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। दिया है एक्स सी का मान दिया है कितना? 100 ओम। न्यू का मान दिया है, न्यू बराबर आवृत्ति 5/π हर्ज, 5/π हर्ज के बराबर न्यू का मान दिया है, ठीक है। इस मान को हम सूत्र में रखेंगे। अतः सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? c बराबर मान रखिए 1/2 × π × ν का मान रखेंगे 5/π × 100, 100 ओम, ठीक है। तो जब ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? मान रख दीजिए, पाई से पाई कैंसल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? c बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10 = 1000, इतना फैराड, 1/1000 फैराड। या इसी को हम कितना लिखेंगे? c बराबर 1/10³, इतना फैराड होगा। या इसी को हम लिख सकते हैं c बराबर 10³ − 3 फैराड, ठीक है। और 10³ को क्या बोलते हैं? मिली। 10³ को क्या कहा जाता है? मिली। या इसी को हम लिख सकते हैं c बराबर 1 mF। c बराबर कितना मिला?
एक मिली फैराड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न था हमारा, एक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब इसे 5/π हर्ज लिखे है ना, 5/π हर्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ उपयोग करने पर प्रतिघात कितना है, 100 ओम है। तब तो उस स्थिति में चूँकि हमारे पास जो फार्मूला है संधारित्र की धारिता वाला फार्मूला, धारिता के साथ यहाँ पर प्रतिघात है, इसलिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, धारिता प्रतिघात वाला फार्मूला। तो धारिता प्रतिघात बराबर कितना होता है, 1/ωc। कोणीय वेग का मान नहीं दिया है यहाँ पर, किसका मान दिया है, आवृत्ति का मान दिया है। तो हमको पता है ओमेगा बराबर कितना होता है, 2π ν। तो इसके मान को जब हम रख देते हैं तो xc बराबर होता है 1/2π ν × c। हमको c का मान ज्ञात करना है, और हमारे पास क्या क्या मान प्राप्त है, यहाँ पर दिया गया है xc का मान दिया है और न्यू का मान दिया है। पाई का मान तो हमको पता ही है, 22/7 होता है, और ये c, दो मान दिए, मतलब हमको c का मान ज्ञात करना। तो c बराबर हो गया 1/2π ν × xc। हम इसमें सूत्र में मान रख दिए तो हमारा मान मिला c = 1 mF। ठीक है ना। यदि मान लो ये किलो हर्ज में होता, ये किस में होता, सपोज इसी प्रश्न में देखिए, अब यदि ये क्वेश्चन क्या हो जाता, यहाँ पर क्या है, किलो हर्ज है। इसी क्वेश्चन को देखिए, यदि इसमें कितना है, 5/π किलो हर्ज है, तो उस स्थिति में इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो कहाँ पर चेंज हो जाएगा, इतना ये क्या हो जाएगा, किलो हर्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ν = 5/π kHz। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके बाद इधर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा इसको भी देख लीजिए, केवल हर्ज था उसके लिए हल्के, अब यहाँ पर यदि मान लो किलो हर्ज है तो उसके लिए क्या बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, c = 1/2π। तब न्यू का मान कितना रखेंगे, 5/π kg, 5/π kg का मान रखेंगे, क्योंकि जो हर्ज है वह किसकी इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, हर्ज किसकी इकाई है, आवृत्ति की SI इकाई है। तो उस स्थिति में क्या होगा, किलो का मान रखना पड़ेगा। किलो बराबर कितना होता है, 10³ को हम क्या बोलते हैं, 1 किलो। ठीक है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 5/π kg के स्थान पर और कितना लिखेंगे, 100 गुणित, ये 100 को किसके स्थान पर लिखें हम, किलो के स्थान पर, और xc का मान है 100 ओम गुणित 100। तो ये कितना हो जाएगा, अब c बराबर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 × 10 और 100 × 100। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/10⁶। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/10⁶ किलो का मतलब, सॉरी यहाँ फिर गड़बड़ हो गया, किलो का मतलब कितना होता है, 100 होता है कि 1000 है, 1000 होता है, यहाँ पर 1000 होगा। तो 5/π × 1000 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10⁶। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 5 × 10 का एक जीरो और, 10⁶। अब इसको हम कितना लिखेंगे, c = 10⁻⁶, इतना क्या, फेराड, या इसी को हम लिखते हैं c = 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं, माइक्रो। 10⁻⁶ को क्या कहा जाता है, माइक्रो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 μF, ये हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, गणित के प्रश्न को हल करते समय इन छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है ना, तो आज हमने देखा विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो तीसरे प्रकार का जो धारा परिपथ था, जिसमें केवल प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व तो L होता है वह होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रश्न भी देखे। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।